ये लोग अचानक आ गया, तोड़फोड़ करने चल गया, अपना ऊपर हाथ उठाए मारा भी। वेंटेश्वर PVR मी वसंत टाकी ग्रुप जिले के सभी सिनेमा हॉलों से भी निवेदन है वो इस फिल्म को बंद करें। इस वक्त ट्रेंडिंग पे एक ही चीज चल रही है, आदि पुरुष मूवी जब से आई है उसके बाद से लोग उसकी तारीफ कम उसे गरिया ज्यादा रहे हैं। लगातार ट्रोल हो रही ये मूवी, लगातार कई तरह के बचाव के लिए डायरेक्टर ने कई सारे ट्वीट भी किए हैं। डायरेक्टर के साथ साथ जिसने इतने भली भांति डायलॉग लिखे हैं मेहनत करके, उस लिरिक्स राइटर ने भी बहुत कुछ कहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे। खैर ये बात की बात है, इस वक्त मसला सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि इस फिल्म को बैन कराने के लिए लगातार हर जगह कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने भी इसकी हिदायत दी थी। उसके बाद BJP के कार्यकर्ताओं ने भी इस तरह की हिदायत दी। साथ ही सुपेला भिलाई में एक चीज देखने को मिली, देखने को यह मिला कि मुख्य तीन टॉकीज हैं, न्यू बसंत टॉकीज, वेंकटेश्वर टॉकीज और PVR, इन तीनों में लगी ये फिल्म को बंद कराने के लिए बजरंग दल और उसके विभाग संयोजक रवि निगम अपने बल दल के साथ, बजरंग दल के साथ टॉकीज पहुंचे। पहले वेंकटेश्वर टॉकीज पहुंचे, जहां पर वेंकटेश्वर टॉकीज के जो मालिक हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने हाथापाई की। हालांकि रवि निगम ने इस पे अपनी सफाई दे दी है, साथ ही वहां पर भी तोड़फोड़ की जो तस्वीरें हैं वो निकल के आई हैं। जिक्र और गुस्सा सिर्फ इस चीज़ का है कि जो मूवी बनी है जिसमें जिसे अभद्र डायलॉग कहा जा रहा है, जिसमें कई तरह के ऐसे डायलॉग हैं जिसको वाकई में निगेटिविटी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के उन्होंने इसे बंद करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वेंकटेश्वर टॉकीज के साथ साथ PVR में और न्यू बसंत में जो मूवी चल रही है वहाँ भी इस तरह की वो चीज़ें करेंगे अगर मूवी बंद नहीं हुई तो। जब से मूवी आई है लगातार सोशल मीडिया पर हर दिन उस पर कई हज़ारों मीम्स बन रहे हैं। जिस तरह से रावण का किरदार दिखाया गया है, रावण जो कि ब्राह्मण का दर्जा मिला और उसे मांस खिलाते हुए दिखाया गया है, साथ ही जो प्रभु जो भगवान हनुमान हैं, हनुमान जी को चमड़े का वस्त्र दिखाया गया है, इस तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं। साथ ही जो माता सीता हैं उनके साथ भी जो चलचित्र में जो कुछ दिखाया गया है उसको लेकर के भी बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। साथ ही जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम को लेकर के भी कई सारे ऐसे सवाल इसमें उठाए गए हैं। तो भली भांति फिल्म एक ऐसी बनी थी जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी छत्तीसगढ़ में, तो और भी ज़्यादा क्योंकि छत्तीसगढ़ चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ननिहाल रहा है और यहाँ पर लोगों की उत्सुकता ज़्यादा थी। लेकिन देखने को ये आया कि जब मूवी लगी तो उसके बाद फटा पोस्टर और जो निकला वो आपके सामने है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए और इसमें बजरंग दल के जो विभाग संयोजक है रवि निगम, उन्होंने क्या कहा, साथ ही वेंकटेश्वर टॉकीज के मालिक उन्होंने क्या कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। आज आदि पुरुष जो मूवी लगी है ये देखने को पहुँचा मिला है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ठेस पहुँच रहा है। अभी लगातार देखोगे कि आप हनुमान जी हमारे आराध्य देवता हैं, कभी वो आरे तूरे करके बात नहीं करता, लेकिन इसमें तेरी लकड़ी, तेरे कपड़े, तेरी आग और लंका तेरी जलाऊंगा, इस टाइप के जो शब्द हैं ये अपशब्द हैं इस विषय को लेकर। और बहुत सारी तुष्टि है, सीता माता ने को जो कपड़े हैं वो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको लेकर फिल्म को आज विरोध के रूप में बंद कराया गया है और जब तक इसमें त्रुटि जो कटिंग ना किया जाए, जो गलत सीन है, तब तक बजरंग दल विरोध कराएगा। और सभी सिनेमा हॉलों को चेतावनी दिया गया है, वेंकटेश्वर PVR मी वसंत टाकीज ग्रुप जिले के सभी सिनेमा हॉलों से भी निवेदन है वो इस फिल्म को बंद करें, जब तक त्रुटि होके आए ना तब तक ना रिलीज करें। अगर बंद किया तो फिर आगे क्या ना किया गया तो बंद, लगातार बजरंग दल प्रदर्शन करता फिर अपने तरीके से बजरंग दल बंद कराएगा। वेंकटेश्वर टाकीज के जो स्टाफ ने कहा है मारपीट नहीं किया गया, वो लगातार क्या है हमारे कार्यकर्ता जब घुसे वहाँ पे तो वही थोड़ा सा विवाद हो गया हुज्जत, तो मैं उसको समझौता करके उस विषय को हटाया हूँ। बताएंगे मैं, हम लोग कोई इंटीमेशन नहीं दिया भाई शुरू से, ये लोग अचानक आ गया, तोड़फोड़ करने चल गया, अपना ऊपर हाथ उठाए रवि निगम कहाँ के लड़के लोग, क्या भाई इधर ही रहते हैं रामनगर में। तो आप लोगों को क्या कहने, क्या कहना, FIR दर्ज करूँगा ना मैं थाना में, अभी किया नहीं। तोड़फोड़ में क्या, तोड़ ग्लास तोड़ दिया, प्रोजेक्टर हिला दिया ऊपर का, प्रोजेक्टर वगैरह सब। अच्छा ऊपर तक पहुँच गया। हाँ कितने लोगों की संख्या होगी, और 50-60 लोग आए थे, 50-60 लोग। अच्छा हथियार वगैरह भी कुछ रखे, हथियार कुछ देखा नहीं, हम लोग हथियार नहीं इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहले भी कई बार हुआ था उन लोगों से, कोई पिक्चर गलत लाने से उन लोग ऐसे करते रहते हैं। कुछ धमकी कुछ बयान देके गए नहीं, मेरे कोई कुछ नहीं दिया, मेरे कोई बोला नहीं कुछ। हाँ थिएटर के क्या करना चाहते, ऐसे करने से कैसे थोड़ी चला पाएंगे हम टैकिस, हमेशा ऐसे नाटक करने से।
पब्लिक प्लेस में हुआ था जैसे पब्लिक वाले ऐसे पूछ रहे हैं हम लोग को कैसे सेफ फिगर के ऐसे अंदर कैसे आ गए इन लोग किसी पब्लिक वगैरह को मारे नहीं नहीं पब्लिक को किसी को नहीं आप लोग को तो तुमको हानि पहुंचा नहीं नहीं मेरे को मारा तुम लोगों क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब हमने फिल्म नहीं देखी तो हमको पैसा वापस चाहिए होगा चाहे किसी भी कारण से अगर फिल्म बंद हुई है लेकिन हमने फिल्म नहीं देखी तो हमने जो पैसा लगाया उसका वापस होना चाहिए नहीं नहीं पैसा हमको रिटर्न चाहिए जब पब्लिक ने फिल्म देखी नहीं तो उसे रिटर्न होना चाहिए जी ये तो बात सही है ये मैनेजर की मैनेजर भले किसी भी कारण से हुई वो बंद तो पिछले दो दिनों से लगातार इस मूवी के आने के बाद जो जो अपडेट आ रही है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस पर रिव्यू भी हुआ है वो भी दिखाएंगे साथ ही अन्य खबरों के साथ भी जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए सब्सक्राइब करिए और आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रूर बताइए ताकि वो खबर के तौर पर हम आपको जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसे न्यूज़ के तौर पर दिखा सकें शुक्रिया।